हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रिएटिविटी लवर्स में। आज देखिए, मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल सॉक्स की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये सॉक्स मैंने बनाई है, देखिए इसे आप लेडीज़ या जेंट्स दोनों के लिए बना सकते हो। बहुत प्यारी फिटिंग के साथ देखिए ये बनकर रेडी हुई है। ये मैंने बनाया है देखिए 9 से 10 नंबर के पैर के लिए, देखिए ऐसे 9 से 10 नंबर के पैर के लिए इसे मैंने बनाया है। देखिए कहीं से अभी मैंने इसे खींचा नहीं है। और इसकी देखिए यहाँ से मैंने जो चौड़ाई बनाई है ना, चार इंच है। और ये बहुत स्ट्रेच होती है, देखिए सॉक्स ऐसे स्ट्रेच होती है, जो वूल वाली सॉक्स होती है ना स्ट्रेच होती है। तो इसे और भी देखिए ये पैर में बहुत अच्छी फिटिंग के साथ आती है। यहाँ से 6, ये बॉर्डर मैंने 6 इंच बनाया। अब मैं आपको देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग से ये सॉक्स बताऊंगी। और एक बात और बताना चाहूँगी कि मेरे पैर में 7 नंबर की चप्पल आती है तो भी ये सॉक्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मेरे पैर में आई है, बहुत अच्छी फिटिंग के साथ। और जिनके पैर में 8 नंबर की चप्पल आती है उनके पैर में भी ये सॉक्स बहुत अच्छे से बहुत फिटिंग के साथ आई है। और मैंने आपको देखिए मेज़र करके दिखाया है इस सॉक्स को, 10 नंबर के भी बड़े आराम से आएगी। अब यहाँ पर ये वाला देखिए बॉर्डर मैंने बनाया है, सिलाई में डाले 60 फंदे डालने के बाद देखिए इस बॉर्डर को हमने बनाकर रेडी किया है। तो बॉर्डर को हमने कैसे बनाना है, देखिए पहले सिलाई में आपने 60 फंदे डालने हैं, 60 फंदे डालने के बाद आपने सीधा देखिए एक फंदा हमने सीधा धागा अपनी तरफ, एक उल्टा धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करूंगी, एक फंदा उल्टा धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करूंगी, एक फंदा उल्टा धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा ऐसे। अब उल्टी तरफ से भी हमने ऐसे ही इसका बॉर्डर बना लेना है। एक फंदा उतारेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा। और जो देखिए 7 और 8 नंबर के लिए बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 60 फंदे लिए हैं, आप 55 फंदे तक ले लेना। जेंट्स का थोड़ा सा बड़ा पैर होता है ना, तो 55 फंदे तक ले लेना, बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा, सेट आएगा ऐसे। दोनों तरफ से बॉर्डर देखिए बनाते हुए मैंने ये कंप्लीट किया है, तो ये ऐसे बनकर आया है। देखिए ऐसे दोनों तरफ से बॉर्डर बनाया ना, बनाने के बाद ये इतना पोर्शन हमारा बन गया है। इतना पोर्शन बनाने के बाद अब हमने देखिए ये वाली सेंटर वाली चीज़ बनानी है ऐसे। तो इन फंदों को हमने डिवाइड करना है। अब फंदों को डिवाइड करने के लिए देखिए पहले क्या करेंगे, 17 फंदे हम सीधे ही बना लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह फंदे सीधे बनाने के बाद अब इन फंदों को चाहे तो आप सिलाई पर रख लें। सिलाई पर रख थोड़ा सा बनाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने ये सेफ्टी पिन ले लिया है। इन 17 फंदों को मैं सेफ्टी पिन पर उतार दूंगी। ऐसे अब 17 फंदे ही हमने इधर छोड़ने हैं और ये सारे फंदे सेंटर वाले सीधे सीधे ही बना लेने हैं ऐसे।
देखिए ये बीच वाले फंदे मैंने 26 फंदे सीधे बना लिए, ये 17 फंदे हमने ऐसे ही छोड़ लिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17। अब इन 17 फंदों को हमने क्या करना है, देखिए सेफ्टी पिन पर उतार देंगे। जैसे हमने उधर से उतारे हैं ना, तो इधर से भी सेफ्टी पिन पर ले लेंगे इन फंदों को। और अब इन बीच वाले फंदों को हमने सीधा सीधा बनाते जाना है। देखिए पहला फंदा हर बार हमने उल्टा उतारना है, धागा दूसरी तरफ करना है और इन फंदों को सीधा सीधा बना लेना है ऐसे। इन सभी फंदों को सीधा सीधा बनाते जाएंगे। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पहला फंदा उल्टा उतारना है, फिर इससे देखिए क्या होगा, चैन सी बनती जाएगी। फिर बाद में हम फंदे उठाएंगे हमें मुश्किल नहीं आएगी, तो वो चैन सी बनानी बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि आपकी सॉक्स में फिनिशिंग आए। तो देखिए इन फंदों को सीधा सीधा देखिए मैंने बना लिया है। ये लास्ट का फंदा भी सीधा ही बनाना है। अब धागा दूसरी तरफ, अब हम रो स्टार्ट कर रहे हैं ना। अब देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट फंदे को ऐसे सिलाई डालते ही उतार लेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, बाकी की सारी रो सीधी सीधी बनाएंगे। ऐसे ही करते हुए हमने ये बीच वाला पोर्शन बना लेना है। ये मैंने 30-31 देखिए रो बनाई है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। देखिए 30 पूरी 30 रो बनाई है ये मैंने। एक तरफ से हमारी 30 धारियाँ आएंगी और रो होगी ये 60, दोनों तरफ से 60। एक तरफ बस आपने ये काउंट कर लेनी है 30। देखिए ये धारियाँ हमारी आनी चाहिए। मैं इतना पोर्शन बना लेती हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगी कि हमने ये फंदे छोड़े हैं उसका क्या करना है, एडी की गुलाई कैसे देनी है और ये नीचे वाला पोर्शन कैसे बनाना है। इसकी 30 रो देखिए ये मैंने ना कंप्लीट कर ली हैं। इसकी 30 रो कंप्लीट करने के बाद अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ से ऐसे सेफ्टी पिन से इसे उतार लेंगे। सेफ्टी पिन से उतारने के बाद इसे हमने देखिए सिलाई में डाल लेना है सभी फंदों को। अब ये देखिए सारे फंदे मैंने सिलाई पर ले लिए हैं। अब यहाँ से हमने फंदे उठाना ना स्टार्ट करना है। यहाँ से एक फंदा हम पहले यहाँ से उठा लेंगे ताकि देखिए इसमें गैप ना आए, जो होल सा बन जाता है ना वो ना आए। तो एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, यहीं से हमने धागा इसके साथ अटैच करना है और फंदे उठाना स्टार्ट कर देना है ऐसे। और अच्छे से देखिए नोट बांध लेंगे यहाँ पर हम। अब देखिए हर एक चैन में से हमने एक एक फंदा उठाते जाना है। देखिए ये फंदा मैंने यहाँ से उठाया है, अब इस चैन में डालेंगे ऐसे फंदा उठा लेंगे। अब ये डालेंगे देखिए ऐसे, बहुत आसानी से ये फंदे हमारे उठ जाते हैं। देखिए ऐसे यहाँ से देखिए इस चैन में डाला, एक दोनों में नहीं डालना, ऐसे एक पार्ट में ऐसे डाला, धागा घुमाया, ऐसे निकाल लेंगे। हर एक चैन से ऐसे ही फंदे उठाती जाऊंगी और 31 फंदे हमने ये उठा लेने हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पर देखिए 17 फंदे यहाँ पर हैं और 31 फंदे हम यहाँ से उठा लेंगे। अब यहाँ से देखिए हमने 31 फंदे मैंने ना ये वाले उठा लिए हैं। अब इन फंदों को भी हमने देखिए इसी सिलाई पर सीधा सीधा बना लेंगे। यहाँ पर देखिए ये सारे फंदे इस सिलाई पर लेने के बाद अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, इन फंदों को देखिए दूसरी सिलाई में उतार लूँगी ऐसे। इन फंदों को उतारा और इस सिलाई में डाल लेंगे। इस सिलाई में देखिए फंदे मैंने ले लिए हैं। अब यहाँ से हमने फंदे उठाना स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पर हमने फंदे उठाए थे ना, यहाँ पर भी फंदों को उठा लेना है। फंदे उठाएंगे देखिए ऐसे, एक एक फंदा हमने देखिए यहाँ पर एक एक चैन में से, जैसे ये पहली चैन है ना इसमें से ऐसे ऐसे बहुत
बहुत आसान है, देखिए यहाँ से बस ऐसे ही उठाते जाएंगे और उठाकर हम देखिए यहाँ तक ले आएंगे, फिर इसे बनाएंगे। पता क्या होता है, ऐसे ही ये बनेगा नहीं। अगर आपके पास सर्कुलर नीडल है तो उससे तो बन जाता है ना, फिर ऐसे ही देखिए बहुत ज़्यादा खिंचाव हो जाता है, फंदे उठाने में बहुत मुश्किल आती है हमें, तो हमने ऐसे फंदे उठा लेने हैं। तो मैं ये सारे फंदे उठाती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पर देखिए ऐसे हमें इस सिलाई से बुनना मुश्किल है, तो मैंने एक सिलाई और ले ली है, तीसरी सिलाई ले ली है मैंने साथ में, और इस सिलाई से देखिए मैं इस फंदों को देखिए ऐसे सीधा सीधा बनाती जाऊंगी। अब हमने देखिए ऐसे ही करते हुए ये सारे फंदों को सीधा बनाया, ये पूरे फंदे हमने देखिए ऐसे ही दोनों तरफ से सीधे सीधे बनाते हुए बनाते जाना है, ये सारे फंदों को ऐसे बनाते जाना है। और इसकी हमने देखिए एक तरफ से, मैं देखिए यहाँ पर हमने ये हमारी सिलाई हुई है, फंदे बंद किए हुए हैं हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 धारियाँ एक तरफ से, मतलब कि 9 धारियाँ ही हमारी होनी चाहिए। ऐसे बुन तो हम ऐसे गुलाई में ही रहे हैं इसे ना, ये अपने आप ऐसे गुलाई में बुन रहे हैं, तो एक तरफ से 9 धारियाँ होनी चाहिए। हमने कितनी, 6 धारियाँ ऐसे बना लेनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 धारियाँ बनाने के बाद जो एड़ी की देखिए ये शेप दी हुई है ना मैंने गुलाई, ये देंगे हम इसकी 6 धारियाँ बनाने के बाद। तो पहले आप इतना बना लें, 6 धारियाँ 12 सिलाइयों से आएंगी, इतना बना लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ आपको। अब 7वीं धारी आएगी यहाँ पर उल्टी तरफ से, हमने देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर एड़ी की शेप देनी है हमने, तो दोनों को देखिए ऐसे दो फंदों को लिया, दो का एक कर देंगे। ऐसे दो का एक करने के बाद बाकी के सारे फंदे हमने ऐसे सीधे सीधे ही बना लेने हैं। अब यहाँ पर जैसे दो का एक किया है, यहाँ पर भी लास्ट में हमने ऐसे ही दो का एक करना है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में भी वैसे ही दो का एक कर देंगे, ऐसे आगे से सिलाई डालते हुए हमने दो का एक कर दिया। ऐसे दोनों तरफ से देखिए एक एक फंदा कम हो गया। अब यहाँ पर देखिए उल्टी तरफ, मतलब कि दूसरी सिलाई में भी हमने दोनों तरफ एक एक फंदा कम करना है, ऐसे ही करते हुए हमने तीन तीन फंदे कम करने हैं, तभी हमारी ऐसे गुलाई आएगी। देखिए यहाँ पर गुलाई आने लग गई ना हमारी। अब यहाँ पर फिर से हमने देखिए ऐसे दो का एक कर देंगे, ऐसे दो का एक करने के बाद पूरे फंदे हम सीधे बना लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर दो का एक किया है वैसे ही लास्ट में यहाँ पर आकर भी कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में भी हमने दो का एक किया, ऐसे आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक इस तरह से। अब यहीं से वर्क को देखिए हमने किया टर्न और फिर से यहाँ पर दो का एक कर देंगे, 3 बार हमारा ये दो का एक हो गया, तीन तीन फंदे हमने दोनों तरफ से देखिए यहाँ पर कम कर दिए। अब बाकी की पूरी रो सीधी बनाएंगे और इधर से भी एक फंदा हम ऐसे ही कम कर देंगे। अब यहाँ पर भी देखिए दो का एक कर देंगे। अब हमने देखिए तीन तीन फंदे दोनों तरफ से अपने घटा लिए हैं ऐसे, और हमारी एड़ी की देखिए गुलाई भी आ गई है, इससे शेप बहुत अच्छी आ जाती है, नहीं तो जो वो पीछे ऐसे तीखा सा हो जाता है ना वो नहीं होगा, एड़ी पर ऐसे पूरी तरह से गुलाई आएगी। अब यहाँ पर एक रो ना पूरी हम ऐसे ही सीधी सीधी डाल लेंगे, ऐसे सभी फंदों को सीधा सीधा बनाते हुए पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए दोनों तरफ से 2 सिलाइयाँ मैंने और डाल ली हैं और यहाँ पर सीधी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 धारियाँ हमारी हो गई हैं। अब यहाँ पर हाफ फंदे मैंने इस सिलाई में, हाफ फंदे मैंने इस सिलाई में ले लिए हैं, दोनों तरफ देखिए मेरे यहाँ पर 61 और यहाँ पर 60 फंदे हो गए हैं। अब इन्हें देखिए ऐसे सिलाई को कर लेंगे, ऐसे देखिए सीधी तरफ हमने देखिए अंदर करनी है और उल्टी तरफ ये बाहर आ गई। अब हमने दो का एक करते हुए ना ये सारे फंदे बंद करने हैं।
ये बना हुआ एक फंदा मैंने इधर सिलाई में ले लिया। अब इन दोनों में देखिए, एक फंदा यहाँ पर और एक फंदा यहाँ पर। मैंने यहाँ तक देखिए हाफ फंदे हमने किए हैं ना, मैंने यहाँ तक इन्हें बुन कर लेके आई हूँ। इन्हें फंदों को बुना है, इन्हें नहीं बुना है। इतनी सी एक सिलाई में देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने बना लिया था, इन फंदों को नहीं बनाया है, हाफ हाफ कर कर बस इन सिलाइयों को डबल कर लिया है। दोनों का फेस हमारा इधर ही आ गया है, तो कोई भी देखिए मुश्किल नहीं आई है। कई बार फेस हमारी सिलाई का उधर आ जाता है ना, फिर फंदे देखिए दूसरी सिलाई में हमें शिफ्ट करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर एक फंदा इसमें से और एक फंदा इसमें से लेंगे। दोनों सिलाइयों में से लिया, इन्हें सीधा बना लिया। अब इसे उठाएंगे, ऊपर से घिरा देंगे। अब फिर से एक फंदा इस सिलाई में से, एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे। दोनों को सीधा बनाया, गिराया, अब इसे उठाएंगे पीछे से, ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। ऐसे ही करते हुए हमने सिलाई में जितने भी फंदे हैं ना, सारे ऐसे ही बंद कर देने हैं। देखिए ऐसे दो का एक, इस फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। तो ये सारे फंदे मैं ऐसे ही बंद कर दूंगी। अब यहाँ पर देखिए सभी फंदों को मैंने बंद कर दिया है। अब यहाँ पर हमने सॉक्स को सिलना है, तो सुई में धागा मैंने डाल लिया है, इस फंदे डाले थे ना जिस धागे से, वही वाला। अब यहाँ पर देखिए ऐसे निकालते हुए इस धागे को नीचे कर लेंगे। यहाँ पर कोई भी धागा नहीं दिखना चाहिए, पूरी फिनिशिंग से हमने इसे सिलना है ऐसे। सिलने का तरीका देखिए सबका अपना अपना होता है। अगर आपने नहीं कभी सिला है तो इस तरह से सिल लीजिए। अगर आप कोई और तरीके से सिलते हो, कोई लोग सीधी तरफ से देखिए एक फंदा यहाँ से एक फंदा वहाँ से उठाकर भी सिलते हैं, तो जैसे भी आपको सही लगता है आप सिल लें, लेकिन बिल्कुल फिनिशिंग से इसकी सिलाई आनी चाहिए ऐसे। तो मैं भी सिल लेती हूँ यहाँ तक। देखिए सिलने के बाद इसे ऐसे ही गोलाई में ऐसे सिल देंगे। देखिए ये सॉक्स बनकर हमारी बिल्कुल कंप्लीट है, और कितनी अच्छी लग रही हैं। जितनी अच्छी देखने में लगती है ना, उतनी ही बढ़िया इसकी फिटिंग आती है। तो आप ज़रूर बनाइएगा इसे अपने लिए, अपने किसी बड़ों के लिए, जेंट्स के लिए, जिसके लिए भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। क्योंकि ये जेंट्स और लेडीज़ दोनों के लिए सॉक्स का डिज़ाइन है, क्योंकि ये फिटिंग के साथ बहुत अच्छा बनकर आता है। तो आप टीनेजर के लिए, कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए, किसी के लिए भी बना सकते हो, बहुत सुंदर लगता है बना हुआ। तो अगर आपको ये मेरी क्रिएटिविटी अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, बताने का ढंग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।